हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपको माउथ ऑर्गन के बारे में कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। मैं कुछ डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। मेरे पास कुछ ईमेल्स आ रहे थे, एसएमएस आ रहे थे, जहाँ पे बिगनर्स ने कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए कहा है, तो उन्हीं डाउट्स को आज मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये आप जो बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं, उन्हें यह बहुत ही यूज़फुल लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन होता है जिसमें 24 पेयर ऑफ होल्स होते हैं, ठीक है? देखिए, ऊपर एक होल है, नीचे एक होल है, ठीक है? ऊपर एक होल, नीचे, ऊपर एक होल, नीचे एक होल। तो 24 पेयर्स ऑफ होल्स होते हैं इसमें, या फिर 24 जुड़वा होल्स होते हैं, ठीक है? और टोटल होल अगर ऊपर नीचे वाला आप काउंट करेंगे तो इसमें टोटल मिला के 48 होल्स होते हैं, ठीक है? तो 48 टोटल होल्स, या फिर ऊपर नीचे का अगर मिला के अगर आप एक होल पकड़ें तो 24 पेयर ऑफ होल्स होते हैं, ठीक है? तो और ये देखिए, ये जो आपके पास अगर टावर का क्रोमेटिक हार्मोनिका है, टावर, ठीक है, जिसमें ये लीवर लगा होता है जिससे आप स्केल चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी 24 होल्स होते हैं। 24 पेयर ऑफ होल्स नहीं, लेकिन 24 होल्स होते हैं। जैसे ये मेरे पास देखिए, ये सुजुकी का क्रोमेटिक हार्मोनिका है, ठीक है, इसमें भी आप देखिए अगर आप गिनेंगे तो 24 होल्स हैं, 24 पेयर ऑफ होल्स नहीं। जैसे ट्रेमोलो में देखिए आप, 24 पेयर ऑफ होल्स हैं, ऊपर है, नीचे है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक ही होल है, ठीक है? पहले में एक ही होल है, सेकेंड में बस एक ही होल है, थर्ड में एक ही होल है, ठीक है? लेकिन जब मैं ये लीवर को दबाता हूँ, जब इस लीवर को मैं दबाता हूँ, इसे दबाऊंगा, तो क्या होता है, ये जो पहला होल है देखिए, ये नीचे वाला होल है, तो नीचे वाला बंद होके इसके ऊपर जो बंद है अभी वो खुल जाता है, ठीक है? और सेकेंड होल में ये जो ऊपर का खुला हुआ है वो बंद होके नीचे का खुल जाता है, ठीक है? तो इस पोजीशन में जब मैं लीवर नहीं दबाया हूँ तो यहाँ पे देखिए 24 होल्स हैं, और जब मैं लीवर को दबा दूंगा तो फिर एक दूसरा सेट ऑफ 24 होल्स खुल जाते हैं, ठीक है? तो ये टावर हार्मोनिका में होता है, और ये सुजुकी का अगर आपके पास है ये क्रोमेटिक हार्मोनिका, तो इसमें भी यही चीज़ है। तो यहाँ भी 24 होल्स हैं, यहाँ भी 24 होल्स हैं। तो दोनों का बजाने का जो सिस्टम रहेगा फ्रेंड्स, जो सरगम वाला जो नोटेशन रहेगा, वो दोनों में सेम है। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं लीवर का, तो ये 24 होल्स का जो ट्रेमोलो है और ये 24 होल्स का ये जो क्रोमेटिक हार्मोनिका है, दोनों का सरगम बजाने का मेथड एक ही रहेगा। यानी कि यहाँ भी आपको 9 नंबर होल से सा शुरू करना है मिडिल ऑक्टेव के लिए, और टावर का हो या फिर ये सुजुकी का जो 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है, यहाँ भी आपको 9 नंबर होल से ही सा शुरू करना है, ठीक है? और मैं बता दूं दोनों का इसमें फंडा क्या है। जैसे यहाँ भी 24 होल्स का जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन है जिनके पास है, यहाँ भी आपको इवन नंबर होल्स में आप खींचेंगे तो आवाज़ निकलेगी, और ऑड नंबर होल में आप फूकेंगे तभी आवाज़ निकलेगी। यानी कि पहला नंबर जो होल है फ्रेंड्स, देखिए एक नंबर होल ये क्या है, ऑड नंबर होल है, तो यहाँ आपको फूकेंगे तभी आवाज़ निकलेगी। अगर आप देखिए, अगर आप खींचेंगे, आप इसे सेकेंड होल को इस तरह से बंद कर लीजिए ताकि सिर्फ एक नंबर होल खुला रहे। अब आप जब खींचेंगे देखिए कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, ठीक है? सेकेंड नंबर जो होल है ये क्या है, इवन नंबर होल है, दो नंबर इवन नंबर होल है, तो यहाँ आपको खींचना है तभी आवाज़ निकलेगी, फूकेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी। जैसे देखिए, मैं पहला होल को बंद कर लेता हूँ और थर्ड नंबर होल को भी बंद कर लेता हूँ, सिर्फ दो नंबर होल को खुला रखता हूँ। जब मैं देखिए खींचूंगा तभी आवाज़ निकली, फूकूंगा तो आवाज़ नहीं निकली। ये तो 3 नंबर होल से आ गया। अब देखिए, फूकने पे आवाज़ नहीं निकल रही है सेकेंड नंबर होल से, क्योंकि सेकेंड नंबर होल इवन नंबर, सॉरी, और इवन नंबर होल है, अब वहाँ पे आपको खींचने से ही आवाज़ निकलेगी। तो इसका ये जो सिस्टम है, इवन नंबर होल से आवाज़ निकालने के लिए आपको खींचना है और ऑड नंबर होल से फूक के आपका आवाज़ निकालना है, यही सिस्टम ये टावर के हारमोनिका में भी चलेगा, और ये सुजुकी का जो 24 होल्स का है यहाँ भी यही सिस्टम रहेगा। एक नंबर होल में आपको फूकना है क्योंकि ये ऑड नंबर होल है, दो नंबर होल में आपको खींचना है क्योंकि इवन नंबर होल है, 3 नंबर ऑड नंबर होल है इसलिए आपको फूकना है तभी आवाज़ निकलेगी, आप खींचेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी। 4 नंबर होल क्या है, इवन नंबर होल है, आपको खींचना है तभी आवाज़ निकलेगी, फूकेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी। तो ऐसे ही पूरा ये 24 होल्स का जो ये चक्कर है, इवन नंबर होल्स में आपको खींचना है, ऑड नंबर होल में आपको फूकना है तभी आवाज़ निकलेगी। अगर ऑड नंबर होल में खींचने पे भी आवाज़ निकल रही है, समझ लीजिए ठीक से इसे, तो
अगर ऑड नंबर होल में खींचने पर भी आवाज़ निकल रही है तो यानी कहीं पे कुछ डिफेक्टिव है आपका माउथ ऑर्गन, या फिर किसी और होल से ये आवाज़ आ रही है, उस होल से आवाज़ नहीं आ रही है, उस इवन होल से आवाज़ नहीं आ रही है। सेम थिंग विद द इवन नंबर होल। इवन नंबर होल में अगर आपको फूकने पे आवाज़ आ रही है तब मतलब कहीं आपका माउथ ऑर्गन में कुछ खराबी है, या फिर किसी और होल से आवाज़ आ रही है, उस इवन नंबर होल से नहीं आ रही, क्योंकि इवन नंबर होल में आप खींचेंगे तभी आवाज़ निकलेगी, फूकने पे आवाज़ नहीं निकलेगी। तो ये जो सिस्टम मैंने बताया है ये आप क्रोमेटिक हार्मोनिका टावर पे अप्लाई होगा, ये सुजुकी का 24 होल्स माउथ ऑर्गन इस पे अप्लाई होगा, और किसी भी ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन में जिसमें 24 होल्स हैं इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम फ्रेंड्स, ये जो 10 होल्स के जो माउथ ऑर्गन होते हैं डायटोनिक होते हैं, इसमें ये जो मैंने बताया है मेथड या सिस्टम बताया है ये इसमें अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। 10 होल्स के जो डायटोनिक हार्मोनिका होते हैं, जैसे ये मेरे पास है, देखिए ये स्टॉक कंपनी का है, इसमें किसी भी होल में अगर आप फूकेंगे या खींचेंगे तो आवाज़ निकलेगी। इसमें ये ऑड नंबर इवन नंबर वाला चक्कर नहीं है, इसमें इवन नंबर होल में आप फूकेंगे आवाज़ निकलेगी, खींचने पे भी आवाज़ निकलेगी। किसी भी ऑड नंबर होल में आप फूकेंगे तो आवाज़ निकलेगी, खींचने पे भी आवाज़ निकलेगी, ठीक है। जैसे देखिए ये एक नंबर होल है, पहला नंबर होल है, तो फूकने पे भी आवाज़ निकली, खींचने पे भी आवाज़ निकली, ठीक है। दो नंबर होल देखिए, मैं एक और तीन को बंद कर लेता हूँ, फूकने पे आवाज़ निकली, खींचने पे भी आवाज़ निकली, ठीक है। तो ये 10 होल्स का जो डायटोनिक हार्मोनिका होता है इसमें ये इवन होल या फिर ऑड नंबर होल वाला चक्कर नहीं है, जो कि ये 24 होल्स वाले माउथ ऑर्गन में है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ये 24 होल्स माउथ ऑर्गन और ये 10 होल्स डायटोनिक हार्मोनिका। इसलिए दोनों का सरगम का जो नोटेशन होता है फ्रेंड्स, अगर आप 10 होल्स के डायटोनिक हार्मोनिका बजाते हैं तो इसका सरगम का नोटेशन कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। ये चार नंबर होल से आपको फूकते हैं तो सा निकलता है, खींचते हैं तो रे निकलता है, उसी होल में आपको फूकेंगे तो सा, उसी होल में आप खींच रहे हैं तो रे निकल रहा है। लेकिन ये 24 होल्स के जो माउथ ऑर्गन होते हैं, जैसे 9 नंबर होल में आपको फूकना है, 9 नंबर क्या है, ऑड नंबर होल है, तो फूकेंगे तभी आवाज़ निकलेगी, तो 9 नंबर होल में आप फूकेंगे तो सा निकलेगी, 10 में आप खींचेंगे तो रे निकलेगा, 10 नंबर होल क्या है, इवन नंबर होल है तो वहाँ पे खींचना है, ठीक है। फिर 11 नंबर होल में आप फूकेंगे, ऑड नंबर होल है तो ग निकलेगा। इसी तरह से इसमें एक एक होल आपको आगे जाते हुए फूकना है, खींचना है, तो इसमें आवाज़ निकलती है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया एक ही होल में आपको फूक के भी और खींच के भी आवाज़ निकालनी है। 4 नंबर होल में जैसे आप फूकेंगे तो सा, खींचेंगे तो रे, 5 नंबर होल में आप फूकेंगे तो ग और खींचेंगे तो म, ठीक है। इसी तरह से इसमें ये सिस्टम बनाओ, ये तो मैंने आपको लेसन बनाया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूजन रहता है फ्रेंड्स, उम्मीद है मैंने ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर किया है। डायटोनिक हार्मोनिका, ये 24 होल्स का जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन होता है, और टावर का या फिर सुजुकी का ये जो 24 होल्स का माउथ ऑर्गन होता है, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपको एक गाना सुना दूँ, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो मैं लेसन बताता हूँ आप तक पहुँचता रहे, आप अच्छे माउथ ऑर्गन पेयर बने खुश रहें। टिल द नेक्स्ट लेसन।